चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। नबील, 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 क्या हुआ जानू? नबील ये क्या कर रहे हो तुम? जानू गाना सुन रहा हूँ। मैं गाने की बात नहीं कर रही नबील, तुम्हारे खाने की बात कर रही हूँ। ऐसा क्या हो गया जानू? तुम्हारे इन चिप्स की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, इतनी देर से करवटें बदल रही हूँ मैं। तो जानू तुम पहले मांग लेती, ये लो खा लो, मेरे पास और भी रखे हैं। मुझे चिप्स नहीं खाने नबील। तो फिर उठ क्यों गई भाई? मुझे इन चिप्स की आवाजों की वजह से नींद नहीं आ रही। जानू ये चिप्स आवाजें नहीं निकालते, ये तो बेचारे गूंगे हैं। गॉड, क्या हुआ जानू? तुमने रात को दो दफा खाना खाया, आधी रात को तुम्हें फिर भूख लग रही है। जानू मुझे भूख तो नहीं लग रही, मैं बोर हो रहा था, मैंने सोचा कुछ ना कुछ खा लूं। क्या? तुम्हें तो पता जानू मुझे करने के लिए कोई ना कोई काम चाहिए होता, इसके अलावा मैं बैठ नहीं सकता आराम से। खूबसूरत और नबील सो रहे हैं अपने कमरे में। सोना अपने दोस्त की तरफ क्या हुआ है, हम दोनों मिलकर खाएंगे ना। तो आपने अपने लिए तो पिज्जा मंगवाया ही नहीं है। अरे ये है ना, ये आपका पिज्जा है, तो फिर मेरा पिज्जा कहाँ है भाई? आपने मेरे लिए ऑर्डर नहीं किया, मैं आपको कभी वो नहीं करूंगी। वो क्या? वो जो फकीरों को करते हैं। जलील? नहीं, वो जो गलती पे करते हैं। गलती पे गलती? और नहीं जी, वो जो लोग मांगते हैं तो फिर भी नहीं करते। और खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो मोमो। हाँ माफ, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और साफ महमूद, महमूद भी आपको कभी माफ नहीं करेगा, आपने पिज्जा सिर्फ अपने लिए मंगाया। अरे मोमो ये पिज्जा मैंने हम दोनों के लिए मंगवाया है, अरे इसमें बहुत से स्लाइस होते हैं। पिज्जा नहीं होता? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, तुम खा लो, जब तुम खा खा के थक जाओगी ना मैं तब खा लूंगा। ले मैं खा खा के थक गई तो मुझे तो फिर भूख लग जाएगी। हाँ जी शाबाश मोमो, आराम से आराम। बिल्कुल चुप चुप चुप, आप शाबाश, चले चले। एक स्लाइस तो मुझे दे दो। इसका टेबल आप पकड़े। अरे एक स्लाइस मुझे दे दो ना मोमो, मिलके खाते, देखो कितना ज्यादा है। ठीक है ठीक है, वो देखे ओक हुआ। नबील उठो यार, मैं बच्चों को स्कूल भी छोड़ के आ गई हूँ, तुम अभी तक सो रहे हो। क्या हुआ जानू? तुमने तो आज सुबह उठ के वॉक पे जाना था ना। ओ यार जानू वॉक ही कर रहा था, काम का तुमने उठा दिया यार। यानी तुमने फैसला कर लिया है कि तुम जागते हुए कोई काम नहीं करना चाहते? ओ यार जानू ये वॉक करना जो है ना, ये फारग लोगों का काम है यार, मेरे पास कहाँ टाइम है कि मैं सुबह 7 बजे उठूं और वॉक के लिए चला जाऊं। क्यों, तुम सुबह क्या करते हो? सोता हूं भाई। तो फिर सोते रहो, मैं नाश्ते के लिए जा रही हूँ। जानू मेरा नाश्ता कमरे में भिजवा देना, मुझे आज भी बहुत सुस्ती हो रही है। शट अप नबील, उठो और मुंह हाथ धो के बाहर आओ। अच्छा यार, मुंह हाथ धो के बाहर नहीं आ सकता यार, शेरों के मुंह तो धोए होते हैं। 2, 3, 4, 5। गुड मॉर्निंग माँ जी, आप आज जल्दी उठ गई? हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया कि आपने सबके लिए नाश्ता बना लिया, मेरा कोई मूड नहीं था। चुप है। क्या हुआ माँ जी? ये पराठे मैंने सिर्फ अपने लिए बनाए। इतने सारे पराठे आपने अपने लिए बनाए? हाँ वो तो अच्छा हुआ कि आधी रात को मैंने पिज्जा खा लिया था, वरना मुझे और भी भूख लग जानी थी। क्या क्या देखती रह तू, मैं तो खा लेना सारा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस
यार क्या बताऊं, तबीर पहले किसी काम का नहीं था, अब तो और भी लेजी हो गया। या तो पूरा दिन खाता रहता है या लेट के गेम खेलता रहता है। मैं तो तंग आ गई हूँ यार, चल फिर बाद में बात होती है, बाय। जानू यार मेरा कद लंबा हो रहा है। तुम्हारा कद अब कैसे लंबा हो सकता है नबील? जानू फिर मेरी टी-शर्ट्स क्यों छोटी हो रही हैं? छोटी नहीं हुई, टाइट हो गई हैं। इसका मतलब ये हुआ जानू कि मेरी बॉडी बन रही है, अब मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ। हाँ लेकिन सिर्फ ट्रैक्टर्स के इश्तेहार में। जानू नबील तुम्हारी टी-शर्ट्स इसलिए टाइट हो रही है क्योंकि तुम रोज बरोज मोटे होते जा रहे हो। कैसी बातें कर रही हो जानू, मैं मोटा कैसे हो सकता हूँ, मैं तो कुछ ज्यादा खाता ही नहीं हूँ। सुबह नाश्ते में हलवा पूरी और पराठा, और दोपहर के खाने से पहले कुछ खा लेता हूँ, और रात के खाने से पहले शाम में कोई क्या बोलते हैं समोसे पकौड़े जलेबियां वगैरह, बस और तो मैं कुछ खाता कहाँ हूँ। इतना खाने पे तुम जिंदा कैसे हो नबील? क्या करूँ जानू, सेहत का ख्याल तो रखना पड़ता है ना, डाइट को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, वरना अभी भी भूख लग रही है मुझे नाश्ते के फौरन बाद। ओ गॉड नबील तुम्हारा क्या होगा? जानू मुझे लगता है तुम्हारे पापा ने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अच्छा देखो जानू, अब मैं सोने लगा हूं, तुमने याद से दोपहर के खाने से पहले मुझे उठा देना प्लीज, भूख तो अभी भी है थोड़ी, लेकिन 12 घंटे ना फिर उठता हूँ। जानू लाइटें बंद करती जाना प्लीज। भाई खूबसूरत बड़े ही अच्छे वक्त पर आई हो, बैठो बैठो बैठो। अभी तुम्हारी माँ और मैं यही डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे? यही कि आज दोपहर के खाने में निहारी होनी चाहिए, क्यों मोमो? हाँ जी हाँ जी। व्हाट? महापुत्र बड़े दिन हो गए निहारी खाए में। माँ जी अभी तक आपके हलक से वो पराठे नहीं उतरे, डकारें आ रही हैं आपको और निहारी की बात कर रही हैं। माँ तो जब तक तूने निहारी बनानी है मेरे पराठे हजम हो जाएंगे बच्चू। हाँ मोमो ने तो फिर पराठे खाए हैं, मैंने तो सिर्फ 8 पूरियां खाई थी, मुझे तो अभी से भूख लगनी शुरू हो गई है। क्या हो गया आप सबको यार? तेरा बाप अगर पैसे भेजता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू हमें निहारी भी नहीं खाने देगी, जाके निहारी बना। कोई निहारी नहीं मिलेगी किसी को। ओ कैसे नहीं मिलेगी है? नबील नबील जरा इधर आना। ओ पुत्र मैं तो मजाक कर रही थी, निहारी बेशक ना मिले हम बिरयानी से काम चला लेंगे, क्यों जी? निहारी भी कोई खाने की चीज है? क्या हुआ जानू, खाना इतनी जल्दी बन गया? बस बहुत हो गया नबील ये खाना वाना, अब आप तीनों को खाना नहीं मिलेगा। क्या? हाँ भाई हर वक्त खाना खा खा कर पड़े रहते हैं आप तीनों, वजन देखें सांड हो गए हैं सब। जानू शट अप नबील, कान खोल के सुन ले आप तीनों, आज से आप सब लॉन में एक्सरसाइज करेंगे। क्या जी? दिन में सिर्फ 2 वक्त का खाना मिलेगा और वो भी स्पेशल डाइट फूड, जिसने खाने खा ले नहीं खाना भूखा रहे। और ये बात मैं भूल जाऊंगी हर्षा। यार नबील ये खूबसूरत ने तो बहुत जुल्म कर दिया यार। महमूद साहब मेरा तो भूख से हशर हो रहा है यार। अरे दवा करो यार खूबसूरत को, हम बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। हाँ ये ठीक है, पैसे निकाले। अरे यार मेरे पास तो बस आखिरी 500 का नोट था जिसकी सुबह हलवा पूरी ले आए थे। वैसे महमूद साहब जेब में आपके थैला नहीं और फरमाइश है बाहर के खाने की। इस दिन के लिए मैं कहती थी कि वो कर ले। वो क्या? वो जो सारे अच्छे मर्द करते हैं, दूसरी शादी। वो जो मेरे मियां करते थे। अरे वो तो सिर्फ छछोड़पन किया करते थे। ओ नहीं यार मामू साहब, अब्बा जी नौकरी भी करते थे यार। हाँ नौकरी, इस दिन के लिए कहती थी कि नौकरी कर ले, अगर आज हमारे पास पैसे होते तो हम यूं भूखे ना बैठे होते। हाँ मोमो वैसे कहे तो तुम ठीक रही हो। यार मुझसे तो अब खाली पेट नौकरी भी नहीं होगी। और मैं भूख से मर रही हूँ। नहीं माँ जी मैं आपको मरने नहीं दूंगी। हाँ आप लोग का लंच ना, तो इतने से बर्तन में हम तीनों कैसे खाएंगे हैं? अरे मोमो जो मिल रहा है सब शुक्र करके खा लो यार, हम बोटियां बराबर बराबर बांट लेंगे ना। अच्छा हाँ ये ठीक है, लाओ भी लाओ खूबसूरत ले आओ। ये रहा आप लोगों का लंच। ओए ये क्या है? ये सैलेड है माँ जी, आप लोगों का स्पेशल डाइट फूड। ना तूने हमें गाय बकरी समझा है जो हम ये घास फूस खाएंगे? जिसने खाना है खाए, जिसने भूखा रहना है वो भूखा रहे। लेकिन जानू इससे हमारा पेट कहाँ भरेगा यार? तुम लोगों को पेट भरना भी नहीं है नबील। वो क्यों? वो इसलिए कि पूरे 2 घंटे बाद आप तीनों ने यहाँ एक्सरसाइज करनी है। क्या? वो जो 2 घंटे के बाद यहाँ करनी है वो एक्सरसाइज है? हाँ जी हाँ जी। नहीं जी। 1 हाथ ऊपर, 1 2 3 4 रिपीट
वन टू मार्जी क्या करिए आप चल क्या करें टू थ्री फोर अच्छा चलिए अब दोनों हाथों पर करें हाँ वन टू वेरी गुड थ्री फोर चटखा दी जालिम ने अरे महमूद मुझे तो उठा ही नहीं जा रहा ओए इतना कट दिता जालिमा अरे गाना नहीं देना था ना देती हमसे इतनी मुशक्कत तो ना करवाती ओ एक बार मेरा टेंड भरने दो फिर देखना तेरी बीवी का क्या हाल करती हूँ पुत्र में अरे खाना कहाँ से आएगा कौन देगा यार महमूद साहब कहीं पड़ोसी को खाना देने तो नहीं आया मैं खोलूंगी मुझे कोई ना रोके हट जा अरे मोमो ध्यान से बेहोश मत हो जाना अब उठाने की हिम्मत नहीं है आप यकीनन अपनी जिंदगी से थक चुकी हैं मियां की बातों से पक चुकी हैं आसमान से गिरकर खजूर में अटक चुकी हैं शर्माइए मत घबराइए मत मैं करूंगा आपकी खिदमत आप अपने गिरते बालों से परेशान हैं या मोटे गालों से परेशान हैं सर में दर्द रहता है चेहरा भी जर्द रहता है या आपके घर में कोई बेरोजगार मर्द रहता है मेरे पास सबका इलाज है तू तो बड़ा गजब का शायर है अपनी किताब बेचने आया है और नहीं जी नहीं मैं तो सेल्समैन हूँ आपकी आंखें कमजोर हैं या चेहरे पर छाइयां मेरे पास हर मर्ज की दवाइयां भविष्य विषय मेरे पास मोटों को पतला करने की और पतलों को मोटा करने की दवा है और मेरी दवाइयों में मिठाइयों का मजा है मेरे ख्याल में आपको दुबलेपन की दवा चाहिए और मुझे आपसे रोकड़ा चाहिए मुझे दुबलेपन की नहीं मोटेपन की दवा चाहिए आपको मोटा होना है हाँ बहुत मोटा तो मेरे पास उसके लिए कमाल का शरबत है खुदा के फजल से बड़ी बरकत है 1000 रुपए उसकी कुल कीमत है एक मिनट अभी आती हूँ मुश्किलों का हल ओ माँ जी इसे पीकर कौन सामने जान आ जाएगी यार ओए पुत्र ये कमाल के शरबत वाली ना जूस की दवा है हाँ इसे पीते ही बंदा मोटा हो जाता है क्या हाँ बच्चू मैंने ये दवा ना खरीदी है पूरे 1000 रुपए में अरे तुमने ये पीकर अब फटना है क्या ओ माँ जी अगर दवा खरीदनी थी तो दुबला करने की खरीदनी थी यार मोटे तो हम पहले ही हो रहे हैं बगैर दवा के खूबसूरत ने वैसे भी हमारा खाना पीना बंद कर दिया यार हाँ यार मामोस ओ ये मैं उसी के लिए तो लेकर आई हूँ क्या हाँ जी ये दवा उसके खाने में डाल देंगे तो वो मोटी हो जाएगी तो फिर हम उससे गिन गिन के हमले लेंगे हमले नहीं बदले हाँ हाँ जी वही यार आइडिया तो अच्छा है नबील वो बस करें यार खाक अच्छा है वो कहाँ गाना गाती है सारा दिन ग्रीन टी पीती रहती है हाँ तो पुत्र उसकी हरी वाली ग्रीन टी में मिला देंगे अब बोल वो जो हम खूबसूरत की ग्रीन टी में मिलाएंगे वो ये दवा होगी हाँ जी अच्छा जी बाजी वाह जी तैयार हैं आप लोग हाँ पुत्र मैं तेरे जाने का इंतजार कर रही हूँ कहाँ जाने का जानू फोन में लॉन्च बज रहा है नहीं मेरा मतलब लॉन्च में फोन बज रहा है ना उसका कह रही थी माँ जी मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही जानू कैसी बातें कर रही हूँ कब से फोन बज रहा है क्यों मामू साहब मुझे भी अभी नबील के बताने के बाद आवाज आई है अच्छा देखती हूँ मैं जब तक आप लोग वार्म अप एक्सरसाइजेस शुरू करें चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल ओ चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार कोई फोन वोन नहीं बज रहा था मुझे पता है ये सारे एक्सरसाइज ना करने के बहाने हैं चले शुरू करें पुत्र तू भी अब शुरू हो जा हाँ हाँ चलो चलो
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 throw 3 2 1 लगता है पुत्र असर हो रहा है। जानू तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, बस नींद आ रही है। वशबशे जानू जाओ ना, जाके आराम से सो जाओ, हम लोग एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं। पक्का 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 एकदम पक्का। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। मुझे लगता है हाँ, जब भी तो इसकी बीवी दरवाजा नहीं खोल रही है। अरे शाइस्ता के मरने से इसकी बीवी का क्या ताल्लुक है भाई? ओ, इसकी बीवी का नाम शाइस्ता है मंजूर। जानो तो मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। ओए तू वरना है, हम भी तो तेरे साथ हैं। अरे यार आप तो चुप करें, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। चुप है। जानू मरने से पहले अपनी शक्ल तो देखने दो। अरे तुम अपनी शक्ल हमारे बाथरूम में भी देख सकते हो नबील, क्यों मोमो? नहीं जी, हमारे बाथरूम का शीशा बहुत छोटा है, उसमें पूरा मुंह नजर नहीं आता। अरे तुम्हारा मुंह पूरा नजर नहीं आता ना, इसका तो आ जाएगा। जानू नबील, वो ये तो जिंदा है। जानू दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। जानू नहीं, जानू दरवाजा खोलो, वरना मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा, तोड़ तोड़ दूंगा। तेरा पापा के दरवाजा तोड़ेगा। जानो बदसूरत। नबील क्या हो गया? जानू तुम कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? अरे मैं तो आप लोगों को दुबला करने चली थी, ये मेरे साथ क्या हो गया? कोई नहीं पुत्र, तू टेंशन ना ले, अब हम तुझे दुबला करेंगे। कैसे? आज से तेरा खाना पीना सब बंद। क्या? और हमारा शुरू। शाबाश शाबाश। 1 2 3 4 1 2 3 4 हाथ ऊपर हाथ ऊपर। शाबाश शाबाश शाबाश। माँ जी इसमें से तो मरे हुए चूहे की बुआ रही है। लेकिन मैंने तो मुर्गी का सालन बनाया था, पता हो सकता है उस मुर्गी ने चूहा खा लिया हो। माँ जी मुर्गी कहाँ चूहा खाती है यार, पिली चूहा खाती है। बाहर कहाँ जा रही है? अंदर चल। मैं यहाँ काम करने आई थी, मैं यहाँ रहती तो नहीं हूँ। बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये इसी घर में रहती है। हमारे पास तो कोई जेवर नहीं है डाकू भाई।
झूठ बोल रही है? अभी पिछले महीने तो तेरे पापे ने अपनी बीवी का जेवर तेरे पास रखवाया था। क्या बाजी, तुझ में जरा भी इंसानियत नहीं है? ओए, मैंने उनको रात का सड़ा हुआ खाना खिलाया था, इसलिए उन बेचारों की ये हालत हो गई है। तो जब तक मैं उन्हें ठीक ना कर लूँ ना, चैन से नहीं बैठूंगी। What? चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते